हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री उसमें नॉर्मली हम फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। अब जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसका मेन पर्पस होता है टू गेट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बाद में कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी होती है जहां पे हम केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर इन फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज रेडॉक्स। रेडॉक्स एक्चुअली केमिकल रिएक्शन है। इट मीन्स रेडॉक्स है वो केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट है। इट मीन्स नॉट ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रेडॉक्स, बट यू कैन से रेडॉक्स इज अ केमिकल रिएक्शन। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है, कुछ नेचुरल भी है, ठीक है। लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन सबको पता है, कोरोजन, डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, ऑल आर एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये सब रेडॉक्स ही है। बहुत सारे कुछ एप्लीकेशंस है लाइक वेरिफिकेशन ऑफ मेटल, सम मेटल वेरीफाइड बाय केमिकल रिएक्शन इन विच रेडॉक्स इज यूजफुल। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल है उसके ऊपर दूसरी मेटल का लेयर आपको बनाना है, लाइक गैल्वेनाइज्ड आयरन, शायद आपने नाम सुना होगा। सो ऑल आर एग्जांपल बेस्ड ऑन रेडॉक्स। हमारे घर में जो पेंसिल सेल है इसको बोलते हैं ड्राई सेल। कार में जो व्हीकल में जो बैटरी होती है, दैट इज कॉल्ड लेड स्टोरेज सेल। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज टोटली रेडॉक्स। तो इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेवेंथ में ये जो चैप्टर है उसमें रेडॉक्स रिएक्शन एग्जैक्टली क्या है, सेकंड उसके दो कॉन्सेप्ट हैं, क्लासिकल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में रेडॉक्स को बैलेंस कैसे किया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। बाद में केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड आपके सामने आते हैं, कंपाउंड उसकी जो फॉर्मूला है, अभी तो आप क्या है, मान लो कि सोडियम कार्बोनेट है, तो आप याद रखोगे हाँ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ऐसे आपने याद रख लिया। लेकिन वो फॉर्मूला एग्जैक्टली कैसे बनती है, Na2CO3 आप लिखते हो ना सोडियम कार्बोनेट, तो आप NaCO3 क्यों नहीं लिखते, वो भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मूला आप लिखते हो NaCl, और कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मूला आप लिखते हो CaCl2। Why not CaCl? तो ये सारे जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपको ये चैप्टर में मिलने वाला है, ओके। और 12वें चैप्टर जो है रेडॉक्स उसकी एप्लीकेशन आती है, और इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में भी रेडॉक्स है लेकिन वहां पे उसकी एप्लीकेशन है, याद रखना। और अभी 11th में आप जो रेडॉक्स पढ़ रहे हो वो जस्ट उसका नेचर क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है रेडॉक्स, उसमें दो रिएक्शन का एक कॉम्बिनेशन बनता है, एंड दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नॉर्मली 8, 9, 10 उसमें आपने ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा पढ़ा है, रिडक्शन के बारे में भी पढ़ा है, और मुझे जब तक याद है तब तक आपने ऑक्सीडेशन के बारे में ऐसा पढ़ा होगा बाय एडिंग ऑक्सीजन, और एनी पर्टिकुलर रिएक्शन व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड, सच रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ये सब आपने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा होगा। रिडक्शन के बारे में पढ़ा है आपने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइसोलेट किया है, दोनों को सेपरेट बेस पे पढ़ा है। मान लो कि C+O2 gives CO2, तो नॉर्मली अभी आप ए लेवल पे ऐसा बोलोगे कि सर ऑक्सीडेशन है, क्यों सर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सही बात। लेकिन आगे दो तीन लेक्चर के बाद
मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि ये रेडॉक्स है. इट मींस इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रेडॉक्स दोनों हो रहे हैं बेस्ड ऑन मॉडर्न कॉन्सेप्ट. ठीक है, और इसीलिए ये चैप्टर का पूरा कंक्लूजन निकल के क्या आता है, कोई भी रिएक्शन प्योर ऑक्सीडेशन और प्योर रिडक्शन नहीं है, ऑल आर रेडॉक्स. इट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. क्लियर? तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा बेसिक लेक्चर है. इसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दो कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट. आज का जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन ओल्ड कॉन्सेप्ट. ओके, दैट इज अ क्लासिकल कॉन्सेप्ट. आज जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्लासिकल आइडिया, क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्लासिकल आइडिया. ठीक है, जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं तो बोलते हैं ना क्लासिकल सॉन्ग, पुराने सॉन्ग. ठीक है, और अभी हम जो पढ़ने को नए सॉन्ग के बोलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे क्लासिकल आइडिया में आज पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपने नॉर्मली पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो क्लासिकल आइडिया जो है उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन. तो क्लासिकल आइडिया में ऑक्सीडेशन की टोटल फोर डेफिनेशन है. कितनी? फोर. सबसे पहले जो आपको पता है वो फर्स्ट डेफिनेशन लाइक दिस, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एलिमेंट और कंपाउंड, ऐसा लिख सकते हैं. किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में जब ऑक्सीजन ऐड होता है दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जांपल एलिमेंट की बात करें तो सी प्लस टू गिव्स CO2. देयर अनदर रिएक्शन दैट इज Mg plus O2 gives MgO. अब आपको क्वेश्चन आएगा सर सी प्लस ओ टू CO2 लिखा है तो Mg plus O2 MgO2 भी लिखा, तो इसका आंसर पता चलेगा. मैंने अभी बताया जो कंपाउंड बनते हैं उसकी फॉर्मूला जो है वो रेडॉक्स से सेट होती है. तो Mg plus O2 not MgO2 MgO, और यहाँ पर भी बैलेंस करता है. ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हो. दूसरा कंपाउंड का एग्जांपल लेना है तो CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. ठीक है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन है. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एक कंपाउंड में ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ, ऐसा बोल सकते हैं. सर इसको तो हम कंबशन बोलते थे, थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू सही है. अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स ये रिएक्शन कंबशन है, बट नाउ इट इज ऑक्सीडेशन. क्लियर? तो ये जो डेफिनेशन है उसके बेस पे तीन एग्जांपल आप देख सकते हैं. सेकंड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपने लिखा है. ठीक है, अब दूसरा मैं लिख रहा हूं एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. यस, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है वो थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को देख के पागल हो जाता है, मतलब दे हैव ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी और अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, और उसमें नॉर्मली कौन आते हैं, नॉन मेटल. और इसीलिए हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है. और उसमें भी पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल कौन सा, 17 ग्रुप दैट इज हाइड्रोजन, और उसमें भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन. याद रखना फ्लोरीन जो है दैट इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है एंड दैट इज 4. ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन को देख के पागल हो ही जाता है, ये क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में आपको ऐसा लगे कि पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल Mg मैग्नीशियम है, इसके साथ फ्लोरीन ऐड हुआ, फ्लोरीन का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ दैट इज Mg
जी, तो ए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है। ओके, बाद में दूसरा एग्जांपल अब हाइड्रोजन के बेस पे जाता है, ये दोनों एडिशन के बेस पे है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब लिखते हैं रिमूवल, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है वो भी एक ऑक्सीडेशन ही है। अब उसका जो एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वही हम अभी लिख रहे हैं। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में आप लिख सकते हो H2S plus O2, मतलब इसमें ऑक्सीजन आ रहा है और वो हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर और सल्फर अकेला रहेगा। ओके, फिर उसका बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है H2O, सो 2H2O, यस यहाँ पे 2H2O, हाइड्रोजन 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2H2S तो सल्फर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन को आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में देख सकते हो, मतलब इसमें दोनों प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है ऐसा बोल सकते हो और हाइड्रोजन निकल भी रहा है, लेकिन पर्टिकुलर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब सल्फर के साथ ऐड नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन जो आ रहा है हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल रहा है, तो सल्फर के पास तो जो हाइड्रोजन था वो तो चला ही है और इसीलिए प्योर प्रोडक्ट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर, दूसरा एग्जांपल रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, जैसे यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो सिमिलरली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, और इसका जो एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो K4 FeCN6, इसको पोटेशियम पेरोक्साइड बोलते हैं, K4 FeCN6 aqueous, मतलब ये सॉल्यूशन है, प्लस H2O2 aqueous, H2O2 aqueous, ये भी सॉल्यूशन है और दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ। सो प्रोडक्ट लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ K4 वी हैव K3FeCN6 प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वी हैव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लाइक दिस, तो था भी एक्वस, और इसका बैलेंस किया है। आपको एग्जांपल ऐसे याद रखने की जरूरत है, सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से वो सेट हो गया कि वो चेक करना है। चलो आप मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, सो इलेक्ट्रो नेगेटिव का टोटली अपोजिट, तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन सा ग्रुप, 17, सो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब मेटल दैट इज फर्स्ट ग्रुप अल्कली, तो इसमें आप देखो K4 है और K4 की जगह यहाँ पे K3 हो गया, तो पोटेशियम जो है दैट इज अ हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो वो वहां पे निकल जाता है, मतलब यहाँ से जो टोटल पोटेशियम मान लो कि 8 है तो यहाँ पे 6 हो गए, तो यहाँ चले गए, तो ये रिएक्शन में भी आप देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव निकल रहा है, मतलब इसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो ये चारों जो डेफिनेशन है दैट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट अबाउट ऑक्सीडेशन, क्लियर, ये परफेक्ट होना चाहिए, मतलब इसमें ये जो कार्बन है कार्बन उसमें O2 ऐड हुआ कि नहीं, सो यू हैव टू कंसीडर दिस वन एंड दिस वन, तो बस आप इतना देखो पहले कार्बन अकेला था इनिशियल लेवल पे, इनिशियल स्टेट में कार्बन था और फाइनल स्टेट में CO2 आ गया, तो इसका मीनिंग हुआ कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कार्बन का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ ग्रेश। यहाँ पे क्या है पहले मैग्नेशियम था मान लो कि 2MgH और बाद में हो गया 2MgF, तो इनिशियल में ओनली मैग्नेशियम था और बाद में हो गया MgF, तो इनिशियल और फाइनल की कंपैरिजन आप करो तो फ्लोरीन ऐड हुआ कि नहीं, और फ्लोरीन दैट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट मींस मैग्नेशियम का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, बस अभी इतना याद है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में मान लो कि पहले हाइड्रोजन सल्फाइड था, अब आपके पास सल्फर ही है, तो हाइड्रोजन चला गया तो इसका मीनिंग हुआ इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन फिनिश, बस इतना ही। ओके, बाद में यहाँ पे आप देखो पोटेशियम जितने थे
ये सिस्टम का इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल है. सो टोटल नंबर ऑफ पोटेशियम दैट विल डिक्रीज. टोटल हम बात करें तो यहां पे मान लो कि ए है तो यहां पे 6 है तो पोटेशियम कम हुआ कि नहीं. सो विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम दिस ऑल रिएक्शन रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन. क्लियर हो रहा है? अभी बस ऑक्सीडेशन की भी बात कर रहा हूं. दूसरा जो एलिमेंट है उसका क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम फोकस कहां पे कर रहे हैं? ओनली फोकस ऑन ऑक्सीडेशन. आगे जाके तो हम मूव करने वाले हैं और रेडॉक्स और आर रेडॉक्स से मूव कर दें क्या रिएक्शन का. ठीक है, इसका मीनिंग हुआ अभी से पता चल गया होगा आपको कि चलो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा. ये ऑक्सीडेशन है तो इसका रिडक्शन होगा. ये ऑक्सीडेशन है तो इसका रिडक्शन ही होगा. ये ऑक्सीडेशन है इसका रिडक्शन ही होगा. दैट इज अ फैक्ट. ओके, लेकिन वो बात अभी हम फोकस कहां पे कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन पे कर रहे हैं. एंड दिस इज क्लासिकल कांसेप्ट अबाउट ऑक्सीडेशन. क्लियर? अब ऐसा सेम कांसेप्ट इसका है रिडक्शन का है. तो सबसे पहले इसका एक फोटो का स्क्रीनशॉट करके फोटो निकालना चाहिए. ठीक है, अब बात करेंगे हम रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ही मैं हाईलाइट कर रहा हूं. ठीक है, बाद में दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे. अब बात करते हैं रिडक्शन. क्लासिकल आइडिया अबाउट रिडक्शन. तो रिडक्शन में नंबर वन क्या होगा? वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहां पे एडिशन ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन. बस इतना याद रखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का इशू. ओके, सो एग्जांपल लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसको ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं. अब इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट. निकल एक कैटलिस्ट है तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच होता है और दूसरा यहां पे अटैच हो रहा है. इट मींस CH3 और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा दैट इज CH3. तो अभी ये सिस्टम आप देखो ए इनिशियल है. टोटल कार्बोहाइड्रेट्स में कितने हैं? 4 है और एक कंपाउंड में आप देखो 6 हो गए कि नहीं. सो पर्टिकुलर इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. तो इसका मीनिंग हुआ कि यहां पे ये विद रिस्पेक्ट टू इथीन, इथीन को देखो ये इथीन है और ये इथेन है. ओके, तो इथीन अंडरगोस रिडक्शन. इसका क्या होगा वो बाद में. क्लियर? चलो बात करते हैं दूसरा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. जैसे उसमें था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव था तो यहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. इसका जो एग्जांपल है टेक्सटबुक में इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड होना चाहिए और उसका एग्जांपल देखते हैं हम. इलेक्ट्रो पॉजिटिव का एडिशन HgCl2 plus SnCl2 gives Hg2Cl2 plus SnCl4. अब इसको बैलेंस कर देते हैं. यहाँ पे तो ये भी एक्वस है तो ऊपर से सॉल्यूशन SnCl2 है वो भी एक्वस, ये सॉलिड है और ये है एक्वस. अब इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है मर्क्यूरी. ये रहा, तो यहां पर आप देखो मर्क्यूरी ए फॉर्मूला जो है उसमें आप देखो इसमें मर्क्यूरी ये तो 2 से मल्टीप्लाई किया है अदरवाइज Hg ही है और एक फॉर्मूला क्या हो गया Hg2Cl. क्लियर? तो इसमें मर्क्यूरी ज्यादा हुआ. कंपाउंड की बात कर रहा हूं, ये तो बैलेंस के लिए था लेकिन कंपाउंड की बात करें तो ये कंपाउंड इनिशियल है और ये फाइनल है. तो इसकी फॉर्मूला में एक ही मर्क्यूरी है और इसकी फॉर्मूला में दो मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी क्या हुआ? ऐड हुआ. दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब HgCl2 जो है उसका रिडक्शन हुआ. सर इसका क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन ही होगा. सर कैसे पता चला? या Cl2 है और या Cl2 4 है तो वहां पे इलेक्ट्रो नेगेटिव ऐड हो गया वो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट था. लेकिन अभी हम रिडक्शन को फोकस कर रहे हैं, अभी हम रिडक्शन को फोकस कर रहे हैं. ठीक है, बाद में दोनों में कंबाइन कर रहा हूं, टेंशन मत. चलो इसके बाद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यस,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है वो भी रिडक्शन ही है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है HgO। मान लो कि मर्क्यूरी का ऑक्साइड है और इसमें से मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन ये दोनों सेपरेट हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, सी इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड सी फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इनिशियल स्टेट में HgO था और फाइनल सिस्टम में ओनली मर्क्यूरी, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, ये भी हम लिख सकते हैं, ओके। और दूसरा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, तो ये भी रिडक्शन है। और इसका भी एग्जांपल है टेक्स्ट में जो दिया है वो ले लिख रहे हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, उसमें FeCl3 एक्वस प्लस H2 गैस gives FeCl2 plus HCl, okay? यहाँ पे एक्वस बैलेंसिंग में कर रहा हूँ, H2 गैस 2 FeCl2 और HCl2 और ये भी एक्वस। तो फोकस कहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्लोरीन हैलोजन। तो यहाँ पे आप देखो FeCl3 है, FeCl3 है और यहाँ पे आप देखो FeCl2 है, तो कंपाउंड में से एक Cl कम हो गया, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब आपको फोकस कहाँ पे करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो क्लासिकल जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, उसमें चार डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन की भी चार है और रिडक्शन की भी चार है, और एक ऑपोजिट है। जैसे वहां पे एडिशन ऑफ क्या था, पहले डेफिनेशन थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे डेफिनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, वहां पे था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, मिक्स नहीं होना चाहिए, यस मिक्स नहीं होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिडक्शन है, और इसके बेस पे MCQs आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब आपको एक रिएक्शन दिया होगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन अंडरगोस ऑक्सीडेशन व्हिच वन अंडरगोस रिडक्शन, ऐसा आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आज का जो लेक्चर है उसमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट से कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे व्हिच वन अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड व्हिच वन अंडरगोस रिडक्शन, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन दिए हैं, तो वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो चलो, ठीक है। चलो अब हम इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन 8.1, ओके। नाउ देयर आर थ्री रिएक्शंस आर गिवन, ऑल आर रेडॉक्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड व्हिच वन अंडरगोस रिडक्शन, क्लियर। तो फर्स्ट वन इज H2S प्लस Cl2 gas gives 2HCl gas plus sulfur salt, okay? Total four components are there, ठीक है। अब उसमें से ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन हुआ, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पे देखो सल्फर है एक बार, तो अभी H2S यहाँ पे है और यहाँ पे सल्फर ही है, तो मुझे बताओ इनिशियल H2S और ये सल्फर है, तो ये कन्वर्जन आपके सामने जो है उसमें हाइड्रोजन आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन रिमूव किस पे होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, this part, this conversion is known as
ऑक्सीडेशन, दिस कन्वर्जन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहां पे लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन एंड कंसीडर दिस पॉइंट Cl2S और यहां पे HCl, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इनिशियल ओनली क्लोरीन और फाइनल विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये जो पार्ट है वो रिडक्शन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कांसेप्ट। बाद में अंदर की बात में बताने वाला हूं, बाद में उसमें एमसीक्यू में ऐसा कोई रोल नहीं होता कि किस कांसेप्ट के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे पास दो कांसेप्ट है, क्लासिकल भी है और मॉडर्न कांसेप्ट भी है, और आगे जाके हम एक कांसेप्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब मॉडर्न कांसेप्ट के बेस पे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, दैट विल वेरी वेरी इजी, ओके। अभी क्लासिकल चल रहा है तो इसके बेस पे मैं आंसर आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो हियर H2S अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड Cl अंडरगोस रिडक्शन, ये क्लियर होना चाहिए। और इसमें हमारी जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो यहाँ पे आप देख लेंगे आप फुलफिल हो जाएंगे, ओके। नाउ नंबर टू, अनदर रिएक्शन दैट इज Fe3O4 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Fe प्लस Al2O3, so here 3 Fe3O4 and that is in solid, A aluminium that is in solid, 9 Fe that is solid and Al2O3 that is also solid. Clear? अब यहाँ मुझे बताओ which one undergoes oxidation and which one undergoes reduction. So see this is the formula Fe3O4. तो एक कंपाउंड में और Fe के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे आप देखो ओनली Fe, मतलब ये कन्वर्जन जो हुआ इसमें ऑक्सीजन निकल गया है और ऑक्सीजन निकल गया है इसका मीनिंग हुआ दिस कन्वर्जन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीजन निकल गया, सॉरी ऑक्सीजन निकल गया मतलब ये कन्वर्जन है रिडक्शन, ठीक है। और एल्यूमिनियम देखो आप, यहाँ पे एल्यूमिनियम है और यहाँ पे Al2O3 है, तो ये जो कन्वर्जन है इसमें ऑक्सीजन एड हो रहा है, मतलब ये है हमारा ऑक्सीडेशन। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन Fe3O4 अंडरगोज रिडक्शन व्हाइल एल्यूमिनियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो इस बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ थर्ड एग्जांपल दैट इज Na+H2 गिव्स NaH, ओके NaH यहाँ पे 2Na कर देते हैं। चलो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, तो यहाँ पे आप Na देखो और यहाँ पे आप देखो NaH, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो कैसा कंफ्यूजन मुझे बताओ, तो आपने Na देखा और NaH देखा, तो नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर सकते हैं, वो क्या सोचेंगे सर इसमें हाइड्रोजन नहीं था और इसमें हाइड्रोजन हुआ, इसका मीनिंग हुआ सर एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है इसका मीनिंग होगा कि सर ये रिडक्शन, सही बात है ना। लेकिन मैं अंदर की बात आपको बताऊं, ये जो कन्वर्जन है दिस कन्वर्जन दिस इज अ ऑक्सीडेशन, ए ऑक्सीडेशन सर रिडक्शन कौन सा, तो इसको इसके साथ आप ले सकते हैं, तो यहां पे ये जो कन्वर्जन है दैट इज अ रिडक्शन, ठीक है सर। ऐसा कैसे होगा, तो देखो पहले रिडक्शन चेक करो, हाइड्रोजन देखो अकेला हाइड्रोजन है और यहाँ पे Na, इसका मीनिंग क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा है मतलब रिडक्शन, इसका मीनिंग कौन की है हो गया। लेकिन सर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसमें आपको क्या करना है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है उसमें डोमिनेंट डेफिनेशन किसकी बनानी है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बनानी है, मतलब इसमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पर डिसाइड नहीं करना है, बट एडिशन ऑफ एडिशन किसका हो रहा है और रिमूवल कौन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के बेस पे आपको सोचना है। यहाँ पे आपने क्या सोचा, ऑक्सीजन के बेस पे सोचा, ठीक है, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन के बेस पे सोचा है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के बेस पे सोचना है,
तो सोडियम और NaH हुआ, मतलब हाइड्रोजन जो है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो गया मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ, और इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा है दैट इज रिएक्शन। क्लियर? तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां मैंने स्टार्ट किया। मतलब क्लासिकल आईडिया जो है, क्लासिकल उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आइदर यू कैन यूज ऑक्सीजन, यू कैन यूज हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी के बेस पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। समटाइम्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव बिकम डोमिनेंट कंपेयर टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऐसा हो सकता है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट यूज करने से कभी कभी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि क्लासिकल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट कब लेना है, कब ऑक्सीजन का लेना है, कब हाइड्रोजन का लेना है, कब नेगेटिव का लेना है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। बस समझ आ रही है? और इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि इन फ्यूचर यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ मोर देन कॉन्सेप्ट अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बेस पे नहीं, लेकिन ये टॉपिक है, टेक्स्ट बुक में दिया है, इनिशियल रेडॉक्स जब स्टार्ट होता है तो इस बेस पे स्टार्ट होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये भी पता तो होना ही चाहिए। क्लियर? लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ, आपने Na लिखा और यहाँ पे NaH लिखा, तो कुछ लोग ऐसा सोचे कि हाँ इसमें हाइड्रोजन नहीं था, अब हाइड्रोजन ऐड हुआ, मतलब ये कन्वर्जन हो गया रिडक्शन, बट एक्चुअली दिस कन्वर्जन इज ऑक्सीडेशन। तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम इश्यू आ सकते हैं, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट की ऐसे लिमिटेशन है, कब किसको डोमिनेंट बनाना है वो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है? तो बेटर है कि हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे डिसाइड करेंगे। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर हमारा है, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।